बहुत ज्यादा जनाब टीम में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। मोहम्मद असलम, इसका फर्क जो है गरीब आवाम पर पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले 50-60 रुपए लीटर था, आज की जहां 100 रुपए के करीब होने जा रहा है। ये लगता है मुझे कि 2-4 महीने के अंदर अंदर जितने भी लोग हैं गाड़ियों को मुफ्त में बेच डालेंगे, क्योंकि जब ताकत ही नहीं होगी पेट्रोल डालने की, डीजल डालने की। डीजल जो 15-20 रुपए एक साल दो साल पहले था, आज वो 70-80 रुपए के करीब हो गया है। तो लोग तो मजबूर है, परेशान है इस वक्त, न जाने क्या हो जाएगा। तो ये तो मोदी सरकार ही ऐसी है, हम तो कहते हैं कि ये मोदी सरकार कब गिर जाए, ताकि जो गरीब आवाम है वो अपना सिर कहीं ऊंचा करे। वहाँ भी आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि जब मालकों को भी कुछ नहीं बचेगा, वही असर पड़ेगा सवारियों पर। जहाँ जितना महंगा पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, तो पैसेंजरों का किराया भी बढ़ जाएगा। इससे तो आवाम परेशान ही परेशान है। किसान आंदोलन क्या कर रही है बीजेपी सरकार इस वक्त, कोई कुछ नहीं बच रहा है। मैं खुद सब्जी होलसेलर हूँ, सिर्फ जम्मू से माल हमने लाना है, आगे बेच डालना है। जहाँ हमें 5-6 हज़ार गाड़ी का किराया लगता था, आज
10,000 के करीब लगता है, क्योंकि वो भी परेशान, हम भी परेशान, किसी को कुछ नहीं बच रहा है। दिलशाद, बहुत मुश्किलात आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, यानी आम आदमी बहुत सफ़र कर रहा है, कहीं भी जाना सोच समझ के निकलना पड़ रहा है, कि तेल महंगा हो चुका है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सफ़र कर रहे हैं सब, यानी कि आम आदमी पे बहुत बोझ पड़ रहा है, मुलाजमत यानी कि मुलाजिम तबके पे बोझ पड़ रहा है, बहुत सफ़र कर रहा है आम आदमी, बहुत सफ़र कर रहा है। यही कि देखे आम आदमी का भी वो, उसके उसमें उसको भी नज़र में रखें, वो कैसे सफ़र कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसका भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जनाब पिछले महीने लगभग, पिछले महीने से आज तक 4-5 रुपये चढ़ गया इसी महीने में, तो समझ ही नहीं आ रही गवर्नमेंट कर क्या रही है। दिन में दिन 2-3-4 रुपये बढ़ते जाते हैं, कभी पेट्रोल में कभी डीजल में। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कम तेल का दाम थोड़ा कम हो, जिससे आम आदमी को फायदा पहुंच पाए। सर लोगों को बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, लोगों को तो लूटा जा रहा है। गरीब लोग पहले बसों में चढ़ते थे, 20 रुपये पर लोड कराया था, और आज की डेट में 25 कर दिया है तेल बढ़ने के कारण। अगर तेल के दाम सस्ते हैं तो लोगों को फायदा मिलेगा। सर तेल बढ़ने से हर चीज़ में असर पड़ रहा है, क्योंकि तेल ही जो है जो पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है। फरीद अहमद, मुश्किल जी बड़ी बढ़ गई, एक तो किराया भी इधर बड़ा कम है और तेल को बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे बड़ी परेशानी हो रही है हमको भी और बाकी ऑटो वालों को भी। जब से मैं चला रहा हूँ, कोई 2 साल पहले रेट वो बड़ा कम था, 40-45 रुपये मिलता था लीटर, आज यही अब 95 रुपये लीटर हो गया। उस वक़्त तो 200 का तेल डालते थे हम, कम से कम 700 रुपये हम कमाई लेते थे, तो आज तो 200 का डालेंगे, उसमें 200 में क्या 2 ही लीटर आता है बस, मासा तेल पूरा होता है। बड़ी मुश्किल से होती है पूरी, कोई उतना रेट भी नहीं है, इधर रेट बड़ा कम रखा है आरटीओ साहब ने, तो ऊपर से तेल को और बढ़ गया। डिमांड यही रहेगी कि तेल को कुछ घटाएं या फिर किराया बढ़ाएं, कुछ ना कुछ ड्राइवरों को भी फायदा होना चाहिए। अनिल कुमार सर, सर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, यही हम दुकानदारी करते हैं तो मुश्किल बहुत आ रही है, आगे बहुत ज़्यादा पड़ गया सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर डिमांड यही कि थोड़ा मतलब कम होना चाहिए, जैसे पहले था तो वैसे बहुत ज़्यादा फर्क आ गया सर, पहले अरेंज कर लेते थे, अब नहीं हो पा रहा है, अब साइकिल पे बारी आएगी, कहाँ रखनी पड़ेगी। मेरा नाम जनरल सिंह है। शाहिद हुसैन सर, असर तो पड़ रहा है, तेल तो ज़्यादा रेट हो गया, इसका तो रेट तो हमारा वही है, अगर हम किसी से रेट ज़्यादा लेते हैं उस पर हमको चालान करते हैं, बोलते हैं नहीं जी आप ओवर चार्जिंग करते हो, तो हमारे कोई नहीं देख रहा हमारी तरफ कि गरीब है सर, कहाँ चल रहा है रोजगार, मसा गाड़ी की किस्त और तेल हो रहा है पूरा, तो बस अब किस्तें नहीं देंगे तो गाड़ी ले लेंगे वो सर। हमारी यही डिमांड है, अगर तेल को रेट चढ़ गया तो हमारा रेट भी बढ़ाओ, नहीं तो तेल को रेट घटाओ। देखिए आज हमने जन औषधि प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर की इनॉग्रेशन की है, जिससे हमारे गरीब इलाके के लोगों को बहुत ही फायदा होगा। इसमें तकरीबन 80% जो प्राइस है लेस होगा देन मार्केट वैल्यू है। ये बहुत अच्छी स्कीम है जो प्रधानमंत्री ने लागू की है, क्योंकि ये इलाका बहुत गरीब है, दूर दराज से लोग आते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये दिस इज अफोर्डेबल फॉर ऑल पीपल ऑफ बानिहाल। प्रधानमंत्री का जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी स्कीम लागू की है, जिससे तमाम गरीबों को, तमाम दूर दराज इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा और वो भी अपने बीमारों का इलाज करा सकेंगे। अब हमें बहुत खुशी है कि हमारे इलाके में Thank you.
यहाँ इनकी डिमांड यही है कि जो बीसीसी कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं और वो उस हिसाब से चलने चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पर, यहाँ के लोकल्स को इग्नोर किया जा रहा है। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि चिनाब वैली में जितने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ना, ये चिनाब वैली के एक बॉम्ब तैयार हो रहा है, ये वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट की जा रही है हमारे लिए। आप देखते हैं कि हर रोज यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम किश्तवाड़ उसका एपिसेंटर भी रहा। तो ये एक तरफ से हमें मतलब वॉर की तरफ ले जा रहे हैं, हमें तबाह करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक लिंक रोड को डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, वहाँ पे सारा वेस्ट मटेरियल को डाला जा रहा है, कभी उसको दरिया में डाला जा रहा है तो पानी को भी पोल्यूट किया जा रहा है। कभी अपने हिसाब से आप देखें कि कोई लेबर मरता है, उसको कहीं उसका कोई खाता ही नहीं है कंपनी में, उसका कहीं नाम नहीं है कंपनी में, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनी में, वो ऐसे कत्ल माना जा रहा है ना। अगर किसी को इस तरह से किसी की हत्या होती, किसी की मौत होती है, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है फिर। तो इस तरह से यहाँ पर इन नौजवानों को, इन इलाकों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, चाहे वो पंचेज हों या सरपंच हों, उनसे भी नहीं पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ हम किस तरह से चलें। आखिर ये कहाँ से इन्होंने ये तैयार किया ये तरीका, और ये कौन सा तरीका है कि कंपनी वाले जो कहें तो इनको मानना पड़ेगा, वो दिन को रात कहें तो ये रात कहें, वो रात को दिन को है तो इनको कहना चाहिए उनके साथ साथ। ये ऐसी तानाशाही तो हमने चंगेज खान के ज़माने में भी नहीं देखी थी। तो आज आपकी ये तानाशाही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वी हैव ऑलरेडी थ्रोन दोज डिक्टेटर्स आउट ऑफ देयर पावर। अब ये जमहूरी राज है, यहाँ पर आप अवाम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ताकतवर समझते हैं, और अगर इनके मसले मसाइल नहीं सुनेंगे, मैं एज DDC मेंबर फ्रॉम मड़वा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये इंश्योर करता हूं अपने लोगों को कि हम फिर आपके बीच में आएंगे, और हो सके तो मैं अगली बार और मजबूत टीम लेकर आऊंगा यहां पर, और सड़क बंद होगी, जब सड़क बंद होगी तब आपको पता चलेगा कि मसलों का हल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। तो देखिए, मसला ऐसा है कि हमारे साथ यहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं। हमारे यहाँ पे एक नौजवान की डेथ हो गई, कोई उसके साथ कोई ऐसा एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो देखिए, अलाउंस क्या मिला उसको, कुछ नहीं, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। चलिए, अब ये तो हम देखते हैं कि कंपनी की दिली हमदर्दी क्या कि किसमें क्या भीख देंगे या कुछ और देंगे, वो तो हमें पता नहीं है। चलिए, अब कानूनी कार्रवाई इस चीज़ पर होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। दूसरी बात, हमारी बात सैलरी टाइम टू टाइम, वो तो कभी यहाँ पर फिक्स होती नहीं है। पिछले महीने भी हमें दो महीने पे बोला गया था कि दूसरे में दो महीनों की तुम्हें इकट्ठा सैलरी दी जाएगी, तो उसके बाद कहा गया था कि फिर उसके बाद टाइमिंग पे तुम्हें सैलरी आ जाएगी। लेकिन देखिए, उस टाइम भी सैलरी आई एक महीने की, फिर नेक्स्ट वाइक वैसे किया गया। इस बार भी डिमांड्स ये है कि हमें तनख्वाह टाइम पर आ जाए, वेजेस जो हमारे चल रहे हैं। देखिए, हमने वेजेस का यहाँ पे जिक्र उठाया, सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये कंपनी बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रही है यहाँ पे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। मैं अपना तारुफ दे दूं, डॉक्टर जहाजेब सिरवाल, स्टेट स्पोक्स पर्सन फॉर यूथ कांग्रेस। हम आज यहाँ पे इन सभी, ये जो आपको लेबर क्लास वर्कर क्लास दिख रही है बीसीसी कंपनी की, इनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिन डिमांड्स को सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए हम आज यहाँ पर हैं। ये लोग कल हमारे पास आए, इन लोगों ने जब कल अपनी बातें बताई तो हमसे रुका नहीं गया कि यहाँ आकर जो है इस तानाशाह कंपनी के खिलाफ आवाज उठानी हमने लाजमी समझा। ये लोग कल, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक एफिडेविट देते हैं कि इस एफिडेविट पर अगर आप साइन नहीं करेंगे, पहले तो आप ये बैकग्राउंड समझ लीजिए कि एफिडेविट दिया क्यों गया। ये लोग अपना हक मांग रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाए। एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। आप यहां से हालत देख लीजिए, डंप में इनको यार्ड बनाने की बजाय हमारे दरियाए चिनाब को गंदा किया जा रहा है। इनको हक कौन दे रहा है ये सारी गंदगी दरियाए चिनाब में फेंकने का? कहां से इनको एनओसीज मिल रही है? हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन का लेवल यहां पे बढ़ रहा है। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? और अगर इनको ये लग रहा है कि यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है तो इनकी गलत फहमी है। हम आज यहां से इस आपके माध्यम से इनको पूछ रहे हैं, अगर ये जवाब नहीं देंगे, मसलों का सही तरीके से हल नहीं निकालेंगे, हम इनको ऑनरेबल कोर्ट के जरिए पूछेंगे, इनको घसीटा जाएगा।
सर हम अभी तक यहाँ पे तकरीबन 3-4 बार तहसीलदार साहब के पास भी गए और तहसीलदार साहब ने वहाँ पे कहा कि हम 4-5 दिन 7 दिन उन्होंने 7 दिन की मोहलत दे दी थी कि 7 दिन के बाद हम जी जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं उनको अपना अपना लेटर खुद मिलेगा जी, इनको ऑर्डर कंपनी के थ्रू ऑर्डर मिलना चाहिए। आज वही 7-8-10 दिन के बाद इन्होंने ऑर्डर निकाला कि इनको जी यहाँ से निकाल ही दो। और इन्होंने जो यहाँ पे गैदरिंग की है सर, इन्होंने पहले डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है कि 80% लोग जो हैं वो लोकल बॉडी के लगने चाहिए और 20% बाहर से, जो हमारे पास यहाँ पे वर्कर नहीं होगा कोई डिप्लोमा वाला कोई हेल्पर जैसा कोई भी आदमी, तो 20% हम बाहर से लाएंगे। इन्होंने यहाँ पे तकरीबन 10% यहाँ के लोग लगाए हैं, वो भी अपनी मर्जी के, अपनी मर्जी। हाँ हमें तो कोई, कोई मैं ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं, नहीं नहीं कोई यहाँ पे लोकल बॉडी में उन्होंने ऐसे कोई अभी तक कोई भी ये नहीं निकाला है, है। जी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जी, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनको, यहाँ को लोगों ने नुमाइंदा बनाया हुआ है, इनकी बात सुन लीजिए। और इनसे भी नहीं पूछा जाता है कि हमें यहाँ पे किसी ने किसी को पूछा नहीं, एज ए सरपंच, सरपंच भी थे यहाँ के, सरपंच को भी किसी ने फोन नहीं किया कि यहाँ पे की जो लोकल बॉडी है उसको कहाँ कहाँ पे लगाया जाएगा या किसके पास कौन सा ट्रेड। अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाया, लगभग यहाँ पर 9 डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स ने भाग लिया, जिसमें कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा, वो खेल का है चाहे कोई और भी फील्ड है, अगर आप पढ़ाई में भी अपने आप, इसके बाद वॉलीबॉल टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी से इस टूर्नामेंट में लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट्स ने हिस्सा लिया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। और फाइनल मैच राजौरी और कठुआ के बीच में हुआ, जिसमें राजौरी विनर रहा। बच्चों में एक अच्छा जोश था, बढ़िया था, लड़कियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर्स ने बड़ा मशक्कत से बड़ी मेहनत से काम करके इसका आयोजन किया। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू डीजी स्पोर्ट्स सर्विसेज, यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज, जिन्होंने जिनकी डायरेक्शन में ये सारा काम हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि डोडा में और भी ऐसे इस प्रकार की टूर्नामेंट्स होती रहें ताकि बच्चों में जोश और टैलेंट जो है वो विद द मूविंग मीडियम्स ऑफ टाइम, ऐसा मूड्स एंड मूविंग्स नहीं रहे, ऐसी सोशल वायलेंस नहीं रहे कि बच्चों को रोका जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा है तो मैं उन पेरेंट्स से, उन समाज के जितने भी लोग हैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि बच्चों को हमेशा आगे आने देना चाहिए, उनके टैलेंट को, उनकी जो
जितनी भी उनके बीच में खूबियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए ताकि हमारे देश की बच्चियाँ, हमारे जो घरों की बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़कर अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकें और इस देश का नाम बने। वी आर वेरी मच होपफुल एंड वी आर वेरी मच यू नो इन द लाइन टू डू सो मेनी थिंग्स फॉर द गर्ल्स आल्सो। और हम आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ टूर्नामेंट्स हैं वो गर्ल्स के रिलेटेड भी करवाएंगे। इसमें वैसे हमारा जो जितना भी टूर्नामेंट्स होती हैं वो उसमें हम लोग ये डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि गर्ल्स के बीच में हो या बॉयज़ के बीच में हो, लेकिन क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किया है एंड वी डेफिनेटली।